सोनभद्र के मयूरपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत कुंडाडी में गाजियाबाद कमाने गए किशोर की रविवार को पैतृक आवास पर शव पहुंचने से कोहराम मच गया। शव पहुंचते ही महिलाएं दहाड़ मारकर रोने लगी तथा ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को अपने कब्जे में लेकर मुआवजा की मांग पर अड़ गए, जिन्हें ग्राम प्रधान कुंडाडी राम सुधार ने काफी समझाया, लेकिन गुस्साए ग्रामीण ने बात मानने से साफ इनकार कर एम्बुलेंस नहीं छोड़ने की जिद पर अड़े रहे। घटना की खबर सुनते जिला पंचायत सदस्य मान सिंह गौड़ मौके पर पहुंच थाना अध्यक्ष मयूरपुर से बात कर उक्त ठेकेदार द्वारा मुआवजा दिलाए जाने की बात कर ग्रामीणों को बताया तथा समझाया, तब कहीं जाकर ग्रामीण माने और एम्बुलेंस को जाने दिया। किशोर के साथ काम करने गया दिनेश ने बताया कि करीब 6 दिन पहले राम बाबू पुत्र माता प्रसाद 16 को बुखार आया था। इलाज के लिए हम लोग उसे वहां अस्पताल लेकर इलाज करवाने गए थे। डॉक्टर ने कमजोरी बताते हुए दवा दी। दूसरे दिन फिर राम बाबू का सर में दर्द हो गया, जिसे दोबारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद तबीयत सही ना हो गई थी। हम लोग घर पर आकर रोटी साथ में खाकर सो गए। करीब 2 बजे रात में राम बाबू को तेज खांसी आने लगी। थोड़ी देर बाद मौत हो गई, जिसका शव आज अपने गांव लेकर आया गया है। यहीं ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य मान सिंह गौड़ के समझाने के बाद मृतक के घर वाले अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं थाना अध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने बताया कि मृतक के पिता थाने पर आकर अपनी गरीबी का हवाला देते हुए शव मंगाए जाने की बात कही, जिसे गंभीरता से लेकर गाजियाबाद पुलिस से बात कर शव को एम्बुलेंस से मृतक के पैतृक आवास कुंडाडी भेजने की बात कही गई थी। गाजियाबाद पुलिस ने थाना अध्यक्ष की बातों को गंभीरता से लेते हुए किशोर का शव आज भिजवा दिया है। आपको बता दें कि मृतक के घर वाले दाह संस्कार कर गाजियाबाद चले जाए, वहीं जाकर पुलिस में ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दें। अभी एक एम्बुलेंस से यहाँ डेड बॉडी लेके आई थी, उसे ग्रामीण बंधक बना लिए थे, क्या मामला था? ये कुंडाडी का लड़का था और ये दिल्ली गाजियाबाद में वो गन्ना मिल में काम करने गया था और वहाँ उसकी घटना हो गई और इसके बाद घर वालों को सूचना मिला और घर वाले काफ़ी परेशान होने लगे। फिर उसके बाद थाना मयूरपुर में जाके लोगों ने FIR किया और SO साहब से बात किया गया, तो SO साहब ने वहाँ दिल्ली जो गाजियाबाद के कहाँ पे थाना है, भोजपुर थाना, हाँ भोजपुर थाना में SO मयूरपुर बात किए और SO मयूरपुर के दबाव से वहाँ के थाना अध्यक्ष डेड बॉडी को ग्राम पंचायत कुंडाडी जिला सोनभद्र में वहाँ से पहुँचाया गया और फिर SO मयूरपुर के ही आश्वासन पर एम्बुलेंस को छोड़ दिया गया कि अगली कार्रवाई फिर किया जाएगा, उनके परिवार के लिए जो भी मुआवजा होगा फिरोजाबाद थाना में जाके बात किया जाएगा। क्या नाम है? दिनेश। कैसे इसकी मौत हुई थी? इनके तबीयत खराब थी, बुखार। पूरा बात बताओ। इनका कपार दर्द कर रहा था। हाँ। एक दिन बुखार भी आए थे। तो कैसे हुआ मौत? इनके बुखार आया था, फिर दवी दवा हुआ, सही हो गया एक दिन। हाँ। फिर कपार दर्द करने लगा होता, तहाँ फिर चक्कर आने आए लगी सके, फिर हॉस्पिटल में ले गए, फिर वहाँ डॉक्टर कहा कमजोरी है इसको, फिर 2 बोतल पानी चढ़ा, तहाँ फिर घर आ के बाद उल्टी हो गई, तहाँ फिर बढ़न हॉस्पिटल में मालिक ले गए जहाँ काम करते रहे, वहाँ फिर खून जांच हो, वहाँ एक दिन सही रहे, फिर एक दिन आराम कर रखा दिन डॉक्टर कह दे, फिर तीसरा दिन छुट्टी हुई, बढ़िया वहाँ हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ जो राम बाबू नाम रहे, घर आ बढ़िया आधा घंटा खुद से टीवी भी देखे, तहाँ उसके बाद खाने रोटी वोटी खा कर जब स्वस्थ, तहाँ 2:30 बजे रात ही एकदम खांसे लागल ना, इसके बाद पानी वानी पिया, इसके बाद बस डेट हो गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।